हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे इतने सारे प्याज क्यों काट रही हूँ मैं। आज मैं आप लोगों के साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो गाइज, मैंने लगभग प्याज काट ही लिया है, मैंने ज्यादा बारीक नहीं काटा, और लीजिए मेरा प्याज तैयार है। तो गाइज, ये हमने 1 किलो लगभग चिकन लिया, चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से हमने प्याज भी काट लिया है, और ये हमने लगभग 2 से 3 टमाटर काट लिया। काटने के बाद फिर हमने हरी मिर्च काटी, और फिर ये आ गया हमारा अदरक। अदरक के बाद हमने फिर लहसुन काटा, लहसुन काटने के बाद फिर हमने बारीक धनिया काटा, उसके बाद फिर ये थोड़े से गर्म मसाले, और लीजिए हमारे सारे बिरयानी के मसाले तैयार हो गए हैं। उसके बाद मैंने छोटी सी कढ़ाई ली, कढ़ाई लेने के बाद मैंने लगभग 2 से 3 कप पानी डाला उसमें। पानी में हल्का उबाल आने के बाद फिर मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद फिर हम इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे, और फिर इसको आधे घंटे लगभग हाफ बॉयल करेंगे। जब तक चिकन बॉयल हो रहा है तब तक हम बासमती राइस ले लेते हैं चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से, और फिर इसको हम 2-3 पानी से लगभग अच्छे से धो लेंगे। चावल धोने के बाद फिर इसको लगभग हम आधा घंटा इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, और अब हम बिरयानी बनाने की तैयारी करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए बड़ा पतीला यूज़ किया ताकि चावल चिपके ना, और मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है, आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गर्म होने के बाद फिर हमने इसमें 2 चम्मच जीरा डाला। डालने के बाद फिर मैंने खड़े गर्म मसाले डाल दिए, फिर मैंने बारीक कटा हुआ अदरक डाला। अदरक डालने के बाद फिर मैंने लहसुन डाले, लहसुन डालने के बाद फिर मैंने हरी मिर्ची डाल करके उसको थोड़ा सा मिला लिया। फिर सबको मिलाने के बाद फिर मैंने जितने भी प्याज काटे थे वो सारे ऐड कर दिए इसमें। ऐड करने के बाद जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता तब तक इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज का लगभग कलर ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर जो हमने हाफ बॉयल चिकन जो किया था उसको अब हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसको हम लगभग 5 से 6 मिनट तक इसको पकाएंगे। अभी हम 60-80% लगभग चिकन हमारा पक ही गया है। जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो अब इसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने बॉयल किया था चिकन उसका पानी ऐड करेंगे। तो गाइस, मैंने चिकन के पानी में ऑलरेडी नमक डाल रखा था, फिर भी हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। उसके बाद फिर हम बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, उसको अच्छे से मिला लेंगे। ढक करके इसको कम फ्लेम में हम गैस पे चढ़ा देंगे। जब तक हम बिरयानी के साथ खाने के लिए रायता बना लेते हैं। थोड़ा सा हम दही लेंगे, दही में फिर खीरा, खीरे को इस तरीके से बारीक किया, फिर हमने इसमें धनिया ऐड किया। धनिया ऐड करने के बाद फिर हमने नमक ऐड किया। नमक ऐड करने के बाद फिर हमने थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड किया। सब ऐड करने के बाद फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको टेस्ट करके देखा। टेस्ट करने के बाद फिर हमने अपनी बिरयानी देखी, हमारी बिरयानी लगभग पक चुकी। पकने के बाद फिर हमने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया। तो गाइज, हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है देखने में, बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। तो गाइज, घर में बनाइए, फैमिली को खिलाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।